नमस्कार। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत ट्रेंड कर रहा है, आपने देखा हो कि पेट्रोल कार और बाइक में तो इतना महंगा हो रहा है और हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में इतना सस्ता क्यों है। लोग मीम्स बना रहे हैं इसके, यार मैं भी कार और बाइक छोड़कर हेलीकॉप्टर ले आऊं, हवाई जहाज ले आऊं, क्योंकि उसमें इतना सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में और अपन जो कार और बाइक चला रहे हैं उन दोनों में पेट्रोल में फर्क क्यों है, क्या रीजन है इन दोनों में? आइए देखते हैं। पेट्रोल से काफी सस्ता क्यों है विमान ईंधन? देखिए आप, अभी वर्तमान में पेट्रोल की कीमत आप सभी जानते हैं 114 रुपए प्रति लीटर है, डीजल की रेट 105 रुपए प्रति लीटर है। अब यहां नोट करना आप, हवाई जहाज के पेट्रोल की कीमत 79 रुपए प्रति लीटर है। अब यहां डिफरेंस आ रहा है, कहते हैं 33% पेट्रोल महंगा है विमान ईंधन से। अब आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है, इधर 79 है, इधर 114 है, 114 रुपए ये डिफरेंस। अब अपन जानेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है आखिर। ये देखिए, जेट फ्यूल विमान ईंधन में जो पेट्रोल पर डलता है उसको जेट फ्यूल भी बोलते हैं। यह कच्चे तेल का सबसे बेसिक प्रोडक्ट है। अब यहां पॉइंट नोट करने की बात है, बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट का समझते हो? आपने अंदर कोई भी चीज डाली, रिफाइनरी, मतलब मैं कह सकता हूँ रिफाइनरी में कच्चा तेल डाला, जब उससे बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं, लेकिन सबसे पहले कोई चीज़ बाहर निकलती है तो ये जेट फ्यूल बाहर निकलता है, सबसे बेसिक प्रोडक्ट कह सकते हो। और पेट्रोल जो अपने कार और बाइक में डलता है ना, वो सबसे बाद में निकलता हो, सबसे उसमें सबसे ज़्यादा टाइम निकलता है, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। यह जेट फ्यूल दो प्रकार के होते हैं, जेट ए और जेट बी। जेट ए सामान्य विमान में काम आता है, जेट ए सामान्य जैसे कि लोग आ रहे जा रहे टूरिस्ट उसमें आते जाते हैं बैठते हैं, और हेलीकॉप्टर में हो गया। जेट बी, जेट बी ओनली ऑन सैन्य ऑपरेशन में, इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी टूरिस्ट आ जाने से, यह सिर्फ सैन्य ऑपरेशन में काम आता है जेट बी, और बेहद खराब मौसम होता है वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। अब पॉइंट करना आप, पेट्रोल से क्यों सस्ता है विमान ईंधन, नोट करना। अब मैं आपको बता दूं, जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, अपन फॉरेन कंट्री से, ये गल्फ कंट्री है जितनी भी, जहाँ से अपन कच्चा तेल आयात करते हैं, सबसे पहले अपन कच्चा तेल आयात करते हैं, उसको अपन रिफाइन में भेजते हैं, रिफाइन होने के लिए रिफाइन में जाता है, उससे क्या क्या चीज़ें निकलती है देखिए, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, जेट फ्यूल निकलता है, केरोसिन निकलती है और एलपीजी गैस निकलती है। कच्चे तेल से कितनी सारी चीज़ें निकल रही, देखिए पेट्रोल निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, जेट फ्यूल, केरोसिन और एलपीजी गैस निकल रही है। अब यह नोट करना, इस प्रक्रिया में जेट फ्यूल बनाने में कम लागत आती है, सबसे बड़ा पॉइंट नोट करना आप, क्यों सस्ता है, कम लागत आती है। अब आप देखिए, रिफाइनरी में गए, कच्चा तेल गया, उससे सबसे पहले निकलेगा तो आप देख लो जेट फ्यूल निकलेगा, उसके बाद निकलेगा डीजल, और उसके बाद निकलेगा केरोसिन और एलपीजी, और सबसे लास्ट में निकलेगा पेट्रोल। यही रीजन है, जेट फ्यूल एक परिष्कृत ईंधन नहीं है, परिष्कृत का मतलब एक विशेष तरीके से बनाया गया ईंधन नहीं है यह। जब आप कच्चे तेल को रिफाइनरी में डालेंगे, रिफाइन होने के सबसे पहले जेट फ्यूल बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसके बहुत ही कम लागत आती है इसमें। वहीं पेट्रोल एक परिष्कृत ईंधन है। अब मैं आपको एक अंतर बताता हूँ, आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाएंगे तो पेट्रोल महंगा है, जब आप एक्स्ट्रा प्रीमियम का पेट्रोल डलाएंगे तो वो 2-3 रुपये और महंगा होता है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने में और ज़्यादा लागत आती है। और जब आप डीजल डलाओगे, डीजल हमेशा पेट्रोल से सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि डीजल रिफाइनरी में बनने में कम लागत आती है, और डीजल से भी कम लागत आती है जेट फ्यूल की, उससे भी जब रिफाइनरी में जब रिफाइन किया जाता है तो बहुत ही कम खर्चा आता है, इसीलिए यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है।
जब रिफाइन में कोई भी कच्चा तेल रिफाइन के लिए जाता है तो जब जेट फ्यूल बनता है तो उसके लिए बहुत ही कम लागत आती है और पेट्रोल की बहुत ही ज़्यादा लागत आती है, इसीलिए डिफरेंस है, बाकी और कोई अदरवाइज कारण नहीं है। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।